हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेज सूरतगढ़ से। तो आज मैं आपको 104 की डिक्टेशन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ सकें। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। देश के सामने मौजूद बड़ी समस्याओं में सबसे पहले बेरोजगारी आती है, इसलिए सबके लिए रोजगार के समान अवसर खुलें यह भी उम्मीद की जानी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में रोजगार की इस अहम समस्या पर चिंतन करने के बजाय हमारे देश में राजनीतिक दल युवाओं को लुभाने की जुगत में लगे हैं। चुनाव नज़दीक हों तो स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता का मुद्दा जोर शोर से उठने लगता है। दो दिन पहले हरियाणा भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में ऐलान किया कि पार्टी फिर सत्ता में आई तो 95% से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष लाभ दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश में भी सरकारें ऐसे फैसले कर चुकी हैं। राजस्थान में भी निजी क्षेत्र की नौकरियों में ऐसे ही आरक्षण पर विचार विमर्श जारी है। एक तरफ भूमंडलीकरण के दौर में हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन सरीखे देश हमारे युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोलें। दूसरी तरफ देश में ही ऐसी विरोधाभासी विचारधारा कि अमुक राज्य में दूसरे राज्यों के लोगों के रोजगार के अवसरों पर बंदिशें लगाई जाएं। अमेरिका तब जब अमेरिका फर्स्ट की बात कहते हुए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात करता है तो ग्लोबल विलेज की अलग ही तस्वीर उभरती नज़र आती है। पाई किसी भी प्रदेश में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है तो पलायन की समस्या का एक हद तक समाधान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ऐसे नियम कायदे बनाने के फायदे नुकसान दोनों है। बड़ा संकट संबंधित क्षेत्र में वांछित कौशल का भी है। हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर कौशल की अनुपलब्धता उद्योग धंधों के लिए समस्या बन जाए। यह भी संभव है कि बाहरी लोगों के नौकरियां हासिल करने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएं। कोई राज्य विशेष सिर्फ अपने हितों के लिए ही कानून बनाए यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे कानून का असर समूचे देश पर पड़ता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व दूसरे राज्यों की तरह ही अगर सभी राज्य अपने स्तर पर स्थानीय को रोजगार में प्राथमिकता को लेकर कानून कायदे बनाने लगे तो फिर कई तरह की विसंगतियां ही पैदा होंगी और राष्ट्रबोध भी प्रभावित होगा। दूसरे देश भी यदि हमारे यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे बंद करने लगे तो दोनों ही खतरों को देखते हुए ऐसे विरोधाभासों को दूर करने की ज़रूरत है। राज्य अपने यहाँ उद्योग धंधों की अनुमति देते समय यह ज़रूर ध्यान रखें कि इनमें रोजगार की दृष्टि से असंतुलन पैदा न हो। कहीं ऐसा न हो कि स्थानीय लोगों के रोजी रोटी के साधन बिल्कुल बर्बाद हो जाएं। यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकारों के ऐसे फैसलों के कारण कहीं क्षेत्रवाद की समस्या गंभीर रूप न ले ले। स्टॉप।